नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, RRB ग्रुप डी की तरफ से बहुत बड़ी न्यूज़ आ रही है, उसी के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को कम्प्लीटली वॉच कर लीजिएगा, अगर पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। साथ में आगे आने वाली पल पल की अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, RRB ग्रुप डी उम्मीदवारों को बड़ी राहत, पढ़ें रेलवे भर्ती बोर्ड की नई घोषणा, और ये हिंदुस्तान की तरफ से आई हुई जो कि फेमस न्यूज़ आर्टिकल चैनल है। तो चलिए देखते हैं क्या है आगे की न्यूज़। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं हमने न्यूज़ ओपन कर लिया है। रेलवे भर्ती बोर्ड ने RRB ग्रुप डी भर्ती के उम्मीदवारों को बड़ी राहत दी है। दरअसल ग्रुप डी की CBT परीक्षा ग्रुप CALP और टेक्नीशियन सेकंड स्टेज CBT की परीक्षा की तारीखें टकरा रही थी, लेकिन अब रेलवे ने ALP और टेक्नीशियन सेकंड स्टेज CBT की परीक्षा की डेट आगे खिसका दी है। इस फैसले से उन हजारों उम्मीदवारों को राहत मिली जिन्होंने ALP टेक्नीशियन सेकंड के बाद था कि स्टेज एग्ज़ाम देना है, और उनकी ग्रुप डी भर्ती परीक्षा CBT 12 दिसंबर से 14 दिसंबर के बीच होनी है। उसके बाद कहा गया है RRB ALP टेक्नीशियन सेकंड स्टेज CBT परीक्षा 12 दिसंबर की बजाय 24 दिसंबर से होगी। पहले रेलवे ने जब सेकंड स्टेज CBT परीक्षा 12 दिसंबर को तय की थी तो उम्मीदवारों ने इस तारीख पर आपत्ति जताई। इस पर उम्मीदवार लगातार रेलवे से शिकायत कर रहे थे, रेलवे ने आग्रह स्वीकार किया और डेट टाल दी है। तो यही थी कुछ न्यूज़, और आगे भी देख लीजिए। RRB ALP टेक्नीशियन रिवाइज्ड रिजल्ट और आंसर की भाई जारी होगी। तो उम्मीदवारों ने रेलवे की आंसर की पर आपत्ति जताई थी, रेलवे ने आपत्तियों पर विचार करने का फैसला किया। सभी आपत्तियों पर विचार करने के बाद रेलवे बोर्ड ने फाइनल आंसर किया और संशोधित परिणाम संशोधित स्कोर जारी करेगा। तो यही थी आज की हमारी कुछ न्यूज़। आगे भी अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद।